हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये ब्लॉग मैं कई दिनों बाद बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय से मैं व्यस्त था, इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाया। बट फाइनली आज ब्लॉग बनाने की मेरी इच्छा हो रही थी, तो मैं आज आपको दिखाऊंगा क्योंकि हमारी फसलें लगभग पक चुकी है और ये आप देख सकते हो, ये कटने के लिए रेडी हो चुकी है। लगभग 2 से 3-4 दिन में ये फसल आ जाएगी। और इधर आप देख सकते हो, ये गेहूं है, ये भी लगभग 1 महीने बाद आ जाएंगे। और हमारे खेत के जस्ट बगल में ही फसल कट रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। और दोस्तों, सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मैं आपके लिए जब भी ब्लॉग लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हो, ये हमारा खेत और यहाँ पर बनी एक झोपड़ी, इसमें रात में रखवाली करते हैं। और इधर रखी है मेरा रजिस्टर, क्योंकि मुझे कुछ ऑनलाइन क्लास लेनी पड़ती है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये मसूर जो लगभग पक चुकी है, अब इसमें 2 से 3 या 4 दिन लगेंगे और बस इसको फिर कटवाया जाएगा। तो आप देख सकते हो, मसूर पक चुकी है, पूरा खेत आपको दिख रहा होगा। इधर देख सकते हो, इस बार ज़्यादा लदाव नहीं है क्योंकि इसमें सर्दी की फटकार लग चुकी है बहुत तेज, बट फिर भी अच्छा है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, मैं आपको लेके चलता हूँ आके। तो देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पड़ोसी दद्दू सेठ। और क्या, जय श्री राम। तो फसल कटने लग गई है दद्दू, ये देख सकते हो गाइस, ये हमारे राकेश सेठ जिनकी फसल कट रही है और उसमें लगभग 8 से 10 लगे हैं व्यक्ति काटने, देख सकते हो आप। और हम भी कुछ दिन बाद लगाने वाले हैं, 2 या 3 दिन बाद, देख सकते हो गाइस। ये हमारे नीतेश भाई भी हेल्प करा रहे हैं राकेश की, देख सकते हो। और चना वना कुछ नहीं लगाया क्या, देख सकते हो गाइस, काफी शानदार व्यू आपको देखने को मिलेगा। इधर देख सकते हो, इधर प्याज लहसुन मटर बटर और आगे गेहूं भी लगे हैं। और इधर ही देख सकते हो, पानी चल रहा है खेत में। आज कट जाएगी क्या राकेश, देख सकते हो गाइस। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए। हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।